नमस्कार दोस्तों, टाइम टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरचनन वन हिमालय के उत्तर में कर दी थी। पद्मपुराण के अनुसार पारिजात ही कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या है? यदि था तो क्या आज भी वो है? यदि है तो वह कैसा दिखता है और उसके क्या फायदे हैं? आइए जानते हैं। सबसे बड़ा सवाल, कैसा दिखता है कल्प वृक्ष? ओलियसी कुल के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पिडाटा है। यह यूरोप के फ्रांस व इटली में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में इसका वनस्पतिक नाम बिम्बोकेसी है। इसको फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल एडेंसन ने 1775 में अफ्रीका में सेनेगल में सर्वप्रथम देखा था। इसे आधार पर इसका नाम अडनसोनिया टेटा रखा गया। इसे बाओबाब भी कहते हैं। वृक्षों और जड़ी बूटियों के जानकारों के मुताबिक यह एक बेहद मोटे तने वाला फलदायी वृक्ष है, जिसकी टहनी लंबी होती है और पत्ते भी लंबे होते हैं। दरअसल यह वृक्ष पीपल के वृक्ष की तरह फैलता है और इसके पत्ते कुछ कुछ आम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फल नारियल की तरह होता है, जो वृक्ष की पतली टहनी से सहारे नीचे लटकता रहता है। इसका तना देखने में बरगद के वृक्ष जैसा दिखाई देता है। इसका फूल कमल के फूल में रखी किसी छोटी सी गेंद में निकले असंख्य रुओं की तरह होता है। पीपल की तरह ही कम पानी में यह वृक्ष फलता फूलता है। सदाबहार रहने वाले इस कल्प वृक्ष की पत्तियां बिरले ही गिरती है, हालांकि इसे पतझड़ी वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष लगभग 70 फुट ऊंचा होता है और इसके तने का व्यास 35 फुट तक हो सकता है। 150 फुट तक इसके तने का घेरा नापा गया है। इस वृक्ष की औसत जीवन अवधि 2500 से 3000 साल है। कार्बन डेटिंग के जरिए सबसे पुराने फर्स्ट टाइमर की उम्र 6000 साल आंकी गई है। भारत में कहां पाया जाता है कल्प वृक्ष? औषध गुण के कारण कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। भारत में रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा किनारे, कर्नाटक आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही यह वृक्ष पाया जाता है। पद्मपुराण के अनुसार परिजात ही कल्प वृक्ष है। यह वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बोरोलिया में आज भी विद्यमान है। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5000 वर्ष से भी अधिक की बताई है। समाचारों के अनुसार ग्वालियर के पास कोलारस में भी एक कल्प वृक्ष है, जिसकी आयु 2000 वर्ष से अधिक की बताई जाती है। ऐसा ही एक वृक्ष राजस्थान में अजमेर के पास मांगलियावास में है और दूसरा पुट्टू परथी के सत्य साई बाबा के आश्रम में मौजूद है। क्या क्या होता है कल्प वृक्ष में? यह एक परोपकारी मेडिसिनल प्लांट है, अर्थात दवा देने वाला वृक्ष है। इसमें संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, गाय के दूध से 2 गुना कैल्शियम होता है और इसके अलावा सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसकी पत्ती को धो धोकर सूखी या पानी में उबालकर खाया जा सकता है। पेड़ की छाल, फल और फूल का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। एक वृक्ष के कितने फायदे? सेहत के लिए, इस वृक्ष की 3 से 5 पत्तियों का सेवन करने से हमारे दैनिक पोषण की जरूरत पूरी हो जाती है। शरीर को जितने भी तरह के सप्लीमेंट की जरूरत होती है, इसकी 5 पत्तियों से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसकी पत्तियां उम्र बढ़ाने में सहायक होती है, क्योंकि इसके पत्ते एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये कब्ज और एसिडिटी में सबसे कारगर है। इसके पत्तों में एलर्जी, दमा, मलेरिया को समाप्त करने की शक्ति है। गुर्दे के रोगियों के लिए भी इसकी पत्तियों व फूलों का रस लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसके बीजों का तेल हृदय रोगियों के लिए लाभदायी है। इसके तेल में HDL हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके फलों में भरपूर रेशा फाइबर होता है। मानव जीवन के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं।
पुष्टिकर तत्वों से भरपूर इसकी पत्तियों से शरबत बनाया जाता है और इसके फल से मिठाइयां भी बनाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारे शरीर में आवश्यक 8 एमिनो एसिड में से 6 इस वृक्ष में पाए जाते हैं। पर्यावरण के लिए यह वृक्ष जहां भी बहुतायत में पाया जाता है वहां सूखा नहीं पड़ता। यह रोगाणुओं का डटकर मुकाबला करता है। इस वृक्ष की खासियत यह है कि कीट पतंगों को यह अपने पास फटकने नहीं देता और दूर दूर तक वायु के प्रदूषण को समाप्त कर देता है। इस मामले में इसमें तुलसी जैसे गुण है। पानी के भंडारण के लिए इसे काम में लिया जा सकता है क्योंकि यह अंदर से खोखला हो जाता है लेकिन मजबूत रहता है, जिसमें 1,00,000 लीटर से ज्यादा पानी की स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। इसकी छाल से रंगरेज की रंजक भी बनाई जा सकती है। चीजों का सांद्र बनाने के लिए भी इस वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे उपयोग करें कल्प वृक्ष को औषधि के रूप में? हमारे दैनिक आहार में प्रतिदिन कल्प वृक्ष के पत्ते मिलाए 20% और सब्जी रखे 80%। आप इसका इस्तेमाल धनिये या सलाद की तरह भी कर सकते हैं। इसके 5 से 10 पत्तों को मैश करके पराठे में भी भरा जा सकता है। कल्प वृक्ष का फल आम, नारियल या बिल्ला का जोड़ है, अर्थात यह कच्चा रहने पर आम और बिल्व तथा पकने पर नारियल जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह पूर्णतः जब सूख जाता है तो सूखे खजूर जैसा नजर आता है। वेल दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और हमारी ऐसी ही हर रोज की वीडियोस को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए हर रोज की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए।